सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलीप मंडल और ये देख रहा है बेटा रहा ब्रेजा। 2021 लास्ट मॉडल यही है, इसी के लेकर पूरा हो गया बंद, आ गया नया ब्रेजा। तो आज नया कुछ करने के लिए ये हो गया सामने क्रेटा 2021। सो आज बात करने वाले हैं हम यही क्रेटा के लिए। सो ये क्रेटा हो गया आपका एक साल पुराना। ओनरशिप को लेके इसका करेंगे फुल डिटेल्स रिव्यू। टॉप मॉडल है, एसएक्स मॉडल है आपका, देख सकते हैं एसएक्स मॉडल है। और ये हो गया आपका मालदा नंबर WB66 AK5566। जो ओनर है वो भी अच्छा रिव्यू देने वाला है इस गाड़ी के लिए। बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं गाड़ी का रिव्यू। सो भाई चलिए तो ऑनर से बातचीत करते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा एक साल का। वेलकम रंजन बाबू। थैंक यू। तो रंजन जी ये बताइए, आप एक साल हो गया ये गाड़ी चलाना? एक साल आठ दिन हो गया पक्का। अच्छा, सो भाई एक साल आठ दिन हो गया, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा चलाना में? कितना किलोमीटर आप चला लिए, कितना माइलेज आपको एवरेज मिलता है? 3200 किलोमीटर मैंने चला लिया। अभी जो गाड़ी का मैं परफॉर्मेंस मिला मेरे को, माइलेज तकरीबन एवरेज में दिखाता है 16 प्लस दिखाता है। ऑल टाइम ऐसे चलता है 16 प्लस दिखाता है। तो मैं गाड़ी चला के मैं सच्ची में बोलता हूँ, दिल से मैं बहुत खुश हूँ, परफेक्ट। तो सो भाई डीजल इंजन है, डीजल इंजन में 16 एवरेज अगर आएगा तो बहुत बढ़िया माइलेज है, क्योंकि ये उतना लॉन्ग ट्रिप में नहीं जाता है, मैक्सिमम लोकली टाउन में ही चला लेते हैं दोस्त। तो उस हिसाब से बोला जाए तो बहुत ही अच्छा है भाई। आपको मिल जाता है 17 इंच का टायर विथ अलॉय व्हील, और हम भी इसको सर्टिफाई करेंगे इसीलिए क्योंकि हम भी चलाए बहुत सारा किलोमीटर। तो नो डाउट बहुत बढ़िया कार है, बहुत ही बढ़िया। तो सो भाई बाहर तो देख लिए, थोड़ा अंदर इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं। सो और एक अच्छा चीज़ है, जैसा ये ऑन टच आपका आप है, तो ये अगर उड़ रहा है और आपका हाथ फंस गया तो उस हिसाब से कैसे होगा? देखिए ऑटोमेटिकली ये डाउन हो गया, तो ये ऊपर और नहीं जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ दिया ये चीज़। बहुत सारा चीज़ हो सकता है, हाथ बाहर चला गया है और आपका आप हो गया ग्लास। सो इस टाइप का है, यहाँ पर आपका मिल जाएगा लॉक अनलॉक, इसमें आपका मिरर का कंट्रोल, यहाँ पे आपको पूरा
सिस्टम जो है देखने को मिलेगा, जैसे आपका स्टार्ट ऑन स्टार्ट स्टॉप यहीं पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका लाइट का पूरा कंट्रोल, आपका हेडलैम्प किस हिसाब से आप चलाना चाहेंगे उसी हिसाब से आपका चलेगा। सो किलोमीटर चला लिए हैं 23,190, मतलब वही 23,200 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो हिसाब करके। और ये हो गया आपका मैनुअल 6 गियर, ये SX मॉडल में आपको मिल जाएगा बेहतरीन जो चीज़ है, हम लोग सब एक्सेप्ट करते हैं ये वाला सनरूफ, तो अनटच में आपका खुल जाएगा। वाह, सो इस टाइप करके आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये SX मॉडल से आपको मिल जाएगा ये सनरूफ वाला सिस्टम। अगर सनरूफ को करना है क्लोज तो सो ऑन टच कर दीजिए, ये हो गया सनरूफ बंद। सो कोई मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक। और भाई आपको मिल जाएगा एक तो ग्लव बॉक्स, जो लाइट आप यहाँ पे नहीं मिलता है ना कोल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, ये नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। और बटल होल्डर वगैरह चारों गेट में आपको मिल जाएगा। और JBL का आपका म्यूजिक सिस्टम है। सो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और इसका ड्राइव करके आपको दिखा देते हैं। स्टार्ट करने के लिए अब स्टार्ट स्टॉप बटन दबा दिए, गाड़ी हो गया स्टार्ट। जैसा गेट खुलिएगा तो आपका डिस्प्ले में दिखा देगा जो गेट की खुला है। और इसी के लिए आपका यहाँ पे आ जाएगा और वाइपर हो गया ऑन टच में एक बार हो जाएगा। सो भाई गाड़ी को करते हैं फर्स्ट गियर और चलते हैं। सो भाई डीजल इंजन तो डीजल इंजन, इसका कोई जवाब नहीं है। सो अब लोग बताइएगा अब लोग का क्रेटा कैसा लगता है। और एक चीज़ है जिसको पता नहीं है, 6 गियर वाला है उसका रिवाइज कैसे लेते हैं, तो इसमें आपको मिल जाएगा एक छोटा सा अंदर इसको पुश करने से ये साइड में लेके जाके। सो ये हो गया आपका बैक गियर। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा आदमी नहीं जानता है इस मैटर को और पूरा क्लीन दिखता है। सो भाई इनका जो फ्यूल एवरेज जो आ रहा है अभी 13.1, क्योंकि हम लोग इस टाइप के रास्ता में हम लोग चला रहे हैं टाउन में फुल्ली, तो इसीलिए यहाँ पे माइलेज कम दिखाएगा एवरेज, क्योंकि ये लोकल ड्राइविंग हो रहा है। जैसा ये आप 4 लेन कोई अच्छा रोड में आप चलाइएगा मैक्सिमम 80 का ऊपर आपका माइलेज आ जाएगा, जैसा बताया आपका 16 में। और यहाँ पर आपका स्टैंडिंग में मिल जाएगा, जैसा ये हो गया क्रूज कंट्रोल, क्रूज भी करके आप पूरा फुल मज़ा ले सकते हैं। इसी में आपको बहुत सारा यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम, यहाँ पे आपका म्यूजिक, कॉल रिसीव, कॉल डिसकनेक्ट और वॉल्यूम अप डाउन, आपका गाना नेक्स्ट रिवर्स सारा चीज़ है। यहाँ पे आपका इंजन का हेट, ये आपका RPM हो गया आपका फ्यूल। सो इस टाइप का आप सामने से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छा चीज़ हमको लगा इसका जो व्यू पोजीशन जो है, सो यहाँ से जो आपका बोनेट जो दिखता है उतना नहीं दिखता है, हल्का सा जैसा मेरा ये आई लेवल है, इतना ही आई लेवल। सो बोनेट भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, उतना देखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें आपका आइडिया भी बहुत हो जाता है जो हाँ बोनेट हमको थोड़ा दिख रहा है जैसा ये आई लेवल। अगर आप लंबाई ज़्यादा होंगे तो इस टाइप का आपको आई लेवल मिलेगा। आपका एयरबैग सामने मिल जाता है को ड्राइवर के पास है, सो उसमें भी आपको सेफ्टी मिल जाता है। और AC बंद करने के लिए आप फास्ट कर दीजिए AC बंद, उसका बाद ही आप गाड़ी का इंजन बंद कीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारा आदमी नहीं करता, डायरेक्ट स्विच बंद कर देते हैं। फास्ट AC बंद कर दीजिए, उसका बाद ही गाड़ी भी बंद कीजिए। सो करते हैं बंद।
सो भाई कैसे लगा? ये छोटा सा एक रिव्यू था मेरा तरफ से एक क्रेटा को लेके। अगर अच्छा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब अब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।